सोन पापड़ी हम सबकी फेवरेट होती है, और कहने ही क्या जब सोन पापड़ी में बर्फ़ी वाला स्वाद मिल जाए। तो जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सोन पापड़ी बर्फ़ी, यानी कि ऐसी बर्फ़ी जिसमें सोन पापड़ी का स्वाद मिलेगा आपको। तो चलिए आज की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 1 कप भुने हुए चने, और ऐसे हाथों की हेल्प से रब करते हुए इसके पूरे छिलके हम निकाल लेंगे। छिलके को अच्छी तरीके से सेपरेट कर लें, उसके बाद जो छिलके निकले हुए हैं उसको ऐसे पॉलीथिन के ऊपर आप निकाल सकते हैं। आप चाहें तो मार्केट में छिलके हटे हुए भी चने मिलते हैं जो कि रोस्टेड होते हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप छिलके हटे हुए वाले चने का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इस स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि आप एकदम बेसिक वाले चने का यूज़ कर रहे हैं तो इस स्टेप को करना आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा करते हुए चने को पूरी तरीके से साफ कर लेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे लेना है एक पैन, और पैन में हमने डाल दिया है 1 कप चीनी। ध्यान रखें जब आप चीनी डाल रहे हो तो या तो फ्लेम ना जल रही हो या फिर एकदम स्लो फ्लेम पे हो। तो चीनी को ऐसे पैन में डाल देंगे फैला करके, और उसके बाद हमने जो चने साफ किए थे ना उन चनों को चीनी के ऊपर डाल देंगे। दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, इसे आपने पहले कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। एक बार बना लेंगे ना तो हर एक त्यौहार में आप सिर्फ इसी रेसिपी को याद करेंगे। उसके बाद एक स्पैचुला की हेल्प से आप इसे धीरे 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 चलाते जाएं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि चने का कलर काफ़ी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा होने लग गया है, और जो शुगर है वो भी थोड़ी थोड़ी सी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। ये देखिए चने कितने सुर्ख एकदम येलो गोल्डन जैसे दिख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा देना है आपको, अभी तक की जो प्रोसेस थी वो हम एकदम स्लो फ्लेम पे कर रहे थे। इस स्टेज पे आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर दीजिए, जो सूप पीने वाला चम्मच होता है बस उस चम्मच से मैंने यहाँ पे 1 चम्मच पानी ऐड किया है। पानी ऐड करते ही चीनी बहुत ही तेज़ी से मेल्ट होने लगेगी। लगातार इसे चलाते रहें जिससे कि एक जगह पर ही चीनी पूरी इकट्ठी ना हो जाए। इस तरीके से चलाएं कि चने के ऊपर चीनी कोट होती जाए। ये देखिए चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है, और वो धीरे धीरे से चने के ऊपर अब कोट होनी शुरू हो गई है। धीरे धीरे चीनी मेल्ट होगी और उसका जो कैरमल वाला स्वाद है हमारी इस रेसिपी को बहुत ही अमेजिंग बनाएगा। इसे बनाने में थोड़ी भी जल्दबाजी ना करें, चीनी को आराम से मेल्ट होने दें, लगातार चलाते रहें। मैं यहाँ पे इसे नॉनस्टिक पैन में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे ऑर्डिनरी पैन में भी बना सकते हैं। ऐसे लगातार चलाते हुए चीनी को आपको मेल्ट कर लेना है। आप चाहें तो इस रेसिपी को गुड़ में भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है और अच्छी तरीके से चने के ऊपर कोट हो गई है। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आपने इसे ना तो कभी ट्राई किया होगा ना ही आपको इसकी रेसिपी किसी ने शेयर की होगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए चने अच्छी तरीके से कोट हो गए हैं, और उसके बाद हमें गैस कर देना है बंद, और उसके बाद एक प्लेट में या तो आप पार्चमेंट पेपर लगा लें या फिर उसे ग्रीस कर लें, और उसके बाद ग्रीस किए हुए प्लेट के ऊपर या फिर पार्चमेंट पेपर के ऊपर आप इन चने को ऐसे फैला दें, और करीब 10 से 15 मिनट या फिर आधे घंटे तक आप इसे पंखे के नीचे छोड़ दें, जिससे कि जो चीनी है वो एकदम क्रंची हो जाए, काफ़ी क्रिस्पी हो जाए, चने में कोट होके अच्छी तरीके से। आप इसे बीच में बिल्कुल भी ना छुएं जिससे कि चीनी अच्छी तरीके से सेट हो जाए। आप देख सकते हैं चीनी अच्छी तरीके से सेट हो गई है। अब इस स्टेज पर आपको इसे ऐसे छोटे छोटे जितने छोटे पीसेस में ये टूट सके उतना तोड़ लेना है। ऐसे चने को अलग कर लें। दोस्तों इस रेसिपी को यदि आप गुड़ में ट्राई करेंगे तो भी ये काफ़ी टेस्टी बनेगी, एकदम जैसे सोन पापड़ी में रेशे होते हैं ना चीनी के, वैसे ही इस रेसिपी में भी आपको रेशे मिलेंगे। बहुत ही क्रंची और मज़ेदार रेसिपी बनके रेडी होगी। तो अब इस स्टेज पे क्या करना है कि लेना है एक मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में हमने जो चने और चीनी वाला मिश्रण रेडी किया था उसको डाल देना है, और उसके बाद फिर आप इसे मिक्सी में इसका एक पेस्ट पाउडर बना लें। ये देखिए ऐसा कुछ इस तरीके का पाउडर बन के रेडी हो जाएगा। पाउडर आपको बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। उसके बाद आप इसे एक बोल में खाली कर लें,
और उसके बाद मिठाई बना रहे हैं उसमें देशी घी का स्वाद ना हो तो मिठाइयाँ अधूरी लगती हैं। तो यहाँ पे आप इसमें डालें 4 बड़े चम्मच देशी घी और हाथ की हेल्प से इसके पाउडर में मिक्स कर लें। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब इस तरीके से बॉल्स बनना शुरू हो जाए तो इट मीन्स कि हमारा जो मिश्रण है वो आगे के लिए रेडी हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने मनपसंद कोई भी बोल या टिन लेना है। ध्यान रखें कि आपको यदि बहुत ज़्यादा मिश्रण ड्राई लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करें, ऐसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए और हाथों की हेल्प से प्रेस करके इसे सेट कर दें। आप चाहें तो इसे केक टिन में भी सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये अच्छी तरीके से सेट हो गया है और इसे यदि आपको जल्दी यूज़ करना है तो आप इसे 2 घंटे फ्रिज में रख दें, ये एकदम अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा, या फिर आप इसे किसी ठंडी जगह पे रख दें। उसके बाद चलिए इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो साइड से थोड़ा सा नाइफ की हेल्प से इसे क्रश करके आप इसे ईजिली डीमोल्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए, एकदम मज़ेदार हमारी सोन पापड़ी बर्फी बनके रेडी हो गई है। वैसे ही चीनी के छोटे छोटे से चंक्स दिख रहे हैं। तो गाइज, आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी।